हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ, और ये भी एक फाउंडेशन ही है और लैक्मी है, जो कि हमारा इंडियन ब्रांड है। तो लैक्मी के क्या है कि बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बीबी, सीसी क्रीम और लैक्मी का लिक्विड फाउंडेशन, और भी है लैक्मी के एब्सोल्यूट फाउंडेशन, वो अच्छा है। और ये एक लैक्मी एब्सोल्यूट का मूस है, तो ये मैट में है। तो मुझे, मैं सीसीबीवी क्रीम लगा चुकी हूँ लैक्मी का, और जो लैक्मी का 150 का फाउंडेशन आता है उसे भी यूज की हूँ। मुझे वो कोई भी पसंद नहीं आया है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया है लैक्मी का, तो इसका ही रिव्यू दूंगी मैं। और इसका शेड है नेचुरल, तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो मेरे स्किन टोन है उसके हिसाब से ये नेचुरल कलर। अगर क्या होता है कि अगर आपको शेड समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा क्या है स्किन टोन का शेड, तो आप नेचुरल ले सकते हैं, वो मैच कर जाता है कुछ हद तक। और नेचुरल में वो लोग आते हैं जो ना ज़्यादा फेयर हैं, और जो ना ही, मतलब कि ज़्यादा फेयर भी नहीं है और ज़्यादा फेयर से नीचे भी नहीं है, उन पे नेचुरल कलर बहुत अच्छे से बैठता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। इस तरह से है ये, और इसमें क्या है कि आपको ये, इसका क्लेम है कि ये आपको 16 घंटे तक स्टे रखेगा आपके फेस पे, और SPF 9 है इसमें, नेचुरल शेड है। और अब इसकी हम लॉन्ग लास्टिंग की बात करते हैं, तो ये 16 घंटे तो नहीं है आपके फेस पे, 4 to 5 आवर तक स्टे रहता है कि आपका बिल्कुल जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और उसके बाद ये फिर अजीब सा लगने लगता है, पैची टाइप का और चौको टाइप का लगने लगता है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, और इसका प्राइस है 700। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ये आपको 500 या 600 के बीच में आपको इसकी रेंज मिल जाएगी। ऑनलाइन लेंगे तो, मैंने तो डायरेक्ट कॉस्मेटिक पे जाके लिया था, तो मुझे 700 का पड़ा था ये। तो इसका शेड है नेचुरल, और मैं इसे पूरा ओपन कर चुकी हूँ। अब मैं इसे आपका डेमो दिखाऊंगी कि फेस पे तो नहीं, हैंड पे दिखाऊंगी मैं अपने, तो मैं अपने एक हैंड पे अप्लाई करूँगी और उसे हाथ से ही ब्लेंड करूँगी पूरे पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे हाथ पे मैं अपना करूँगी। इस तरह से ब्लेंड होना है इसको, आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया। अगर आप फाउंडेशन ब्रश से लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन ब्रश से इसे लगाएंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन अगर आप और उससे लगाएंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है मॉइस्चराइजिंग के बाद। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, मैंने बस थोड़ा सा ही मीडियम कवरेज दिया है। अगर आप और लगाना चाहते हैं तो मैं आपको और दिखाती हूँ, इसी के ऊपर से एक और लेयर लगा के। देखिए, आप जितना लगाएंगे कवर करेगा, और ऐसा नहीं है कि ये लेयर बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। अगर आप लैक्मी के, लैक्मी ब्रांड आपका फेवरेट है, तो आप, मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है लैक्मी का मूश, और जो कि मैट में है। तो आप फिर से, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं अपने दोनों हैंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह का आएगा, नेचुरल फिनिशिंग है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने कोई और लगा रखा है। मतलब कि जैसे होता है कि पता चलता है कि आपने फाउंडेशन थोप रखा है पूरे फेस पे, और साफ पता चलता है, तो इतनी वीडियो पड़ी हुई है गर्ल्स के ऊपर कि इतना सारा 1.5 किलो 2.5 किलो मेकअप थोपना, तो इसका ऐसा नहीं है, बहुत ही नेचुरल कवरेज है इसकी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझ पर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अभी तक मैंने जितने भी कमेंट किए गए हैं मुझे, मैं सब कुछ रिप्लाई करती हूँ, और मैं इसे आपको वैसे ही रिव्यू दे सकती थी, लेकिन मुझे आपको शेड दिखाना था, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन का रिव्यू दे रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उसका शेड भी दिखाएँ, ताकि आपको लेने में आसानी रहे कि अगर आपका ये स्किन टोन है तो आप नेचुरल ले सकते हैं।